बसमिल रही डियर स्टूडेंस असलकुम टुडे वी विल डिस्कस एन अदर लॉ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ सपोज दैट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिक डिस्ट्रब्यूट ला ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन इज़ ए इंटू बी प्लस सी इज़ इक्ल टू ए बी प्लस ए सी अब इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का नाम देंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और एडिशन भी आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन मेन फोकस इसमें ओवर एडिशन। तो एडिशन जो है उसके लिए ये प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ हुआ है तो ए इंटू बी प्लस सी अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है ए को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी और इसी तरह ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए सी अब इसमें एक बात जो ख़ास ख्याल रखना है आपने कि ए बी को मल्टीप्लाई करना है तो अब ए बी ही लिख सकेंगे इसको हम बी ए नहीं लिख सकते उसकी रीज़न ये है कि मेट्रिस में जो कम्बोलेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता इसलिए हम ए बी और बी ए आम तौर पर इक्वल नहीं होता तो इसलिए हम इसको ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो ए बी लिखेंगे बी ए नहीं लिख सकेंगे इसको इसी तरह ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे जो इस जिस ऑर्डर में ये है पहले ए है तो पहले ए लिखेंगे ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए सी आ जाएगा तो इसको सी ए नहीं लिखा जा सकता अच्छा अब इसमें एंड लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसको क्यों कहा गया है कि जो ए मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं हम अब यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होगा अगर कोई मैट्रिक्स राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा अब इसको हम ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन वाला जो मैट्रिक्स है वो ए लेफ्ट साइड पे है इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला और यहाँ पे राइट right साइड पे है तो इसलिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला तो बात फिर वही है कि ए सी लिखेंगे इसको सी ए नहीं लिखा जा सकता वजह यही है कि कमोलेटिव ला जो है वो इसमें मैट्रज में होल्ड नहीं करता इसी तरह बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है वो होगा अच्छा इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव ला सब्ट्रैक्शन के लिहाज से क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन दो चीज़ें आ गई हैं तो ए जो है वो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ओवर सब्ट्रैक्शन तो ये माइनस होगा उस लिहाज से तो अब इसमें वही प्रोसीजर ऊपर वाला ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर इनका चेंज नहीं किया जा सकता इसको बी ए और सी ए नहीं ले सकते हैं तो इसको हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला कहेंगे जो कि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे मैट्रिक्स राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर ए सी और बी सी ये इस तरीके से आ जाएगा तो ये दो लॉ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन तो इसको अब वेरीफाई uh, करने के लिए ये किसी भी किस्म के मैट्रिसेस के लिए जो है वो ट्रू है यानी ए बी सी आर एनी थ्री मैट्रिसेस यानी कोई भी तीन से मैट्रिक्स हो सकते हैं किसी भी किस्म के मैट्रिक्स आप ले लें तो ये ला जो है वो हमेशा उसके लिए ट्रू होगा अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए एक एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस करते हैं लेकिन एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर फाइव लिया है तो इसमें हमारे पास थ्री मैट्रस जो है वो गिवन है ए बी एंड सी तो इसमें हमने पार्ट थ्री है इसका वेरीफाई करना है ए इंटू बी प्लस सी इजिकल टू ए प्लस ए सी तो ये हमने आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसको हमने वेरीफाई करना है तो अब देखें ज़रा ये कौन सी जो हमने पर लाभ पड़ा, पड़ा है तो कहां कहाँ ये फॉल कर रहे हैं तो ए इंटू एक तो इसमें प्लस का साइन यूज़ हुआ है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लेशन ओवर एडिशन होगी ठीक है अब ये राइट right डिस्ट्रीब्यूटिव uh, ला है या लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है चूँकि ए जो है वो लेफ्ट साइड uh, से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिहाजा ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है उसकी वेरिफिकेशन के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो पेपर में या वो एक्सरसाइज में चाहे इसका क्वेश्चन दिया हो चाहे इसका क्वेश्चन दिया हो तो आप सेम उसी पैटर्न पे उसको सॉल्व कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं इसको इसकी वेरिफिकेशन की तरफ तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं तो अब यहाँ पे जो नया कन्सेप्ट था वो यही था कि आप एक ला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव ला ऑफ मल्टीप्लीशन ऑफर एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी ये कन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि ये लाभ बेसिकली क्या है अब इसका प्रूफ जो है वो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है उसकी रीज़न ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन और इसमें क्या कहते हैं एडिशन दो चीज़ें आ रही हैं और ये चीज़ें आप पहले ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो पिछले जो लेक्चर्स है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं तो बेसिकली वही कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे यूज़ होने हैं तो इसको वेरीफाई करते हुए कोई ऐसी नई बात हमारे पास से नहीं आएगी जो चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही डिस्कस करेंगे अगर आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी पिछली जो लेक्चर्स हैं उसको दोबारा देख लें ताकि आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो पता चल सके तो अगर आपका नॉलेज फ्रेश है तो देखें फिर अब इसमें लेफ़्ट साइड इसको अलग सॉल्व करेंगे हम और राइट साइड को अलग सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट साइड मैंने लिख दी अच्छा अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक तो ये कि इस पूरे ऑपरेशन को हम एज ए होल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ये भी एक प्रोसीजर हो सकता है और दूसरा ये कि हम इसको पार्ट्स में जो है वो सॉल्व कर लेते हैं कि पहले हम ब्रैकेट वाला पोर्शन ये हल कर लेते हैं जब इसका आंसर आ जाएगा सम आ जाएगा तो फिर एक उसे मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हैं एज ए होल भी इसको चलाया जा सकता है और पार्ट्स की सूरत में सॉल्व करके बाद में इसको कंबाइन जो ऑपरेशन है वो किया जा सकता है तो यहाँ पे मैंने एज ए होल इसको लेके कर चाह रहा हूँ तो एक मैट्रिक्स लिख दिया मैंने आगे स्मॉल ब्रैकेट्स और बी प्लस सी तो ये दोनों मैट्रिक्स जो आपको गिवन है वो इसमें लिख दिए तो पहले हम ये ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है वो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जस्ट एडिशन है तो एडिशन आप इसको हम पहले पढ़ चुके हैं तो उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो एडिशन के लिए एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए टू बाई टू और ये भी टू बाई टू ऑर्डर सेम है इनके तो अब एडिशन कैसे होगी इनके कारस्पोंडिंग एलिमेंट्स को जो है वो हमेशा एडअप किया जाता है तो फर्स्ट ये इसके कारस्पोंडिंग एलिमेंट ये है तो वन प्लस टू थ्री हो जाएगा इसके कारस्पोंडिंग एलिमेंट ये है टू प्लस वन थ्री हो जाएगा और माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू आ जाएगा और इसके कारस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो माइनस फाइव और थ्री को प्लस करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा अब ये दोनों मैट्रिक्स एडिशन की तो एक मैट्रिक्स आ गया अब ये दो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद और मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब मल्टीप्लीकेशन का रूल भी वही है जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं तो उसी तरीके से इनके ऑर्डर जो है टू बाई टू और टू बाई टू तो ये चीज़ अगर सेम हो तो फिर इस ये कन्फर्मेबल होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अब ये चीज़ क्या है अगर इसको डिवाइड करें तो ये ऑर्डर में जो सेकंड नंबर होता है वो क्या होता है हमेशा कॉलम और ये फर्स्ट एलिमेंट जो हमेशा रो यानी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आ, कन्फर्मेबल कन्फर्मेबल कब होती है जब पहले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी की रो इक्वल होगी तो वो मैट्रिक्स जो है वो कन्फर्मेबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं अब मल्टीप्लिकेशन का रूल वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इस कॉलम को रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ माइनस थ्री आ जाएगा ओवर थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई किए तो माइनस सिक्स आ जाएगा और ये इस रूल के मुताबिक यहाँ पे प्लस होगा इसी तरह अब हम फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे माइनस वन को थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस थ्री आगे प्लस फिर थ्री को माइनस टू से मल्टीप्लाई करें तो माइनस सिक्स आ जाएगा इसी तरह अब सेकंड रो लेनी है इसको हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है टू को थ्री से मल्टीप्लाई किया सिक्स और जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया जीरो इसी तरह अब सेकंड कॉलम रो सेकंड और कॉलम बी सेकंड टू को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया सिक्स और जीरो को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया जीरो अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है तो माइनस थ्री और माइनस सिक्स ये माइनस नाइन आ जाएगा माइनस थ्री और ये जब ब्रैकेट खत्म करेंगे बार पॉजिटिव है तो अंदर साइन चेंज नहीं होता तो ये माइनस सिक्स ही आ जाएगा तो दोनों साइन सेम हो तो प्लस करते हैं और साइन वही आ जाते हैं तो इस तरह ये माइनस नाइन आ जाएगा और सिक्स uh, और इसको प्लस करेंगे तो सिक्स अब हमने लेफ़्ट साइड जो है इसका इसको फाइंड uh, कर लिया है अब हम चलते हैं राइट right साइड की तरफ अब राइट right साइड कौन सी है ए बी प्लस ए सी अब यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इसको एज ए होल सॉल्व करते जाएं, जो कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि मल्टीप्लाई भी करना है फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना है फिर दोनों को प्लस करना है तो वो ज़्यादा कम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप इसको एक ही स्टेप में सॉल्व करते हैं तो बेहतर ये है कि ये पोर्शन अलग हल कर लें इस पोर्शन को अलग हल कर लें और बाद में उनको प्लस कर लें तो अब बढ़ते हैं हम इस पोर्शन की तरफ ए बी फाइंड करना है जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आप काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुके हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया ये मैंने तो आप उसी तरीके से इसको देख लें तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा ये होगा अब हमने ए बी जो है फाइंड कर लिया अब ए सी को हमने फाइंड करना है तो मैट्रिक्स ए पहले और सी बाद में तो अब उसका भी वही रूल है मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आ गया फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है ये और इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको शॉर्टकट बता दिया है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तो आपका ये कंसेप्ट उम्मीद आके क्लियर होगा तो माइनस टू प्लस थ्री वन आ जाएगा इसी तरह माइनस वन प्लस नाइन एट और फोर प्लस ज़ीरो फोर आ जाएगा और टू प्लस ज़ीरो टू आ जाएगा तो ये हमारी राइट right साइड जो है ये भी सिंप्लीफाई हमने कर ली है अब क्या करना है इन दोनों को प्लस करना है ए बी प्लस ए सी ए बी मैट्रिक्स प्लस ये ए सी मैट्रिक्स तो एडिशन के लिए जो है वो आ, क्या कहते हैं इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए तो ये भी टू बाई टू है और ये भी टू बाई टू है। इसका मतलब ये एडिशन इनकी कन्फर्मेबल है अब एडिशन का रूल क्या है कि हमेशा कारस्पोंडिंग एलिमेंट जो है वो ऐड होते हैं तो ये इसके कारस्पोंडिंग ये है तो माइनस टेन प्लस वन हो जाएगा और इसके कारस्पोंडिंग एलिमेंट ये है माइनस सेवनटीन प्लस एटी हो जाएगा और टू प्लस फोर इसी तरह फोर प्लस टू तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं माइनस टेन प्लस वन दोनों साइन डिफरेंट है तो टेन में से वन माइनस करेंगे नाइन और साइन जो है वो बड़ी टर्म का होगा माइनस आ जाएगा इसी तरह माइनस सेवनटीन प्लस एट ये दोनों साइन डिफरेंट है तो माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़ी टर्म का आएगा सेवनटीन में से एट माइनस किया तो नाइन और साइन जो है वो सेवनटीन का आएगा माइनस नाइन टू प्लस फोर सिक्स और फोर प्लस टू सिक्स तो ये हमारी राइट right साइड जो है वो निकल चुकी है अब हम देखते हैं कि क्या लेफ़्ट और राइट साइड का आंसर जो है हमारा सेम आया है तो लेफ्ट साइड वो हमने ये क्वेश्चन वन का नाम दिया हुआ है इसको चेक करें और राइट right साइड जो है वो हमारी ये है इसको चेक करें तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सेम आए हैं इसका मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट right साइड का आंसर चूँकि सेम आया है तो ऑटोमेटिकली ये कन्फर्म हो गया है कि लेफ़्ट और राइट साइड जो है वो इक्वल है तो फ्राम वन एंड टू साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज़ ए इंटू बी प्लस सी जब आपको गेवन थी ये चीज़ें हमने प्रूव करी थी लेफ़्टाइड और राइट साइड जो है ये प्रूव हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि अब हमने डिस्ट्रब्यूट ला ऑफ मल्टीप्लेन ओवर एडिशन जो है पढ़ा है कि ये तमाम हर किस्म के मैट्रिक के लिए जो है ये ट्रू है तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने तीन मैट्रसे लिए और उसमें ये जो लेफ़्ट डिस्ट्रब्यूट लॉ है उसको हमने वेरीफाई करने की कोशिश की है कि क्या ये लेफ्ट और राइट साइड का आंसर से सेम आता है तो लेफ़्ट और राइट का आंसर से सेम आया तो इसका मतलब ये कि राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला जो है वो ट्रू है मेट्रसेज के लिए आप कोई भी तीन मेट्रस लेके जो है वो इस ला को प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स अभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के लिए एक एग्जांपल जो है वो हल की है और उसमें हमने देखा है कि ये ए, इसकी वेरिफिकेशन हमने कर ली है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ला ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन जो है वो होल्ड करता है मेट्रिस में अब नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए जो है वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो दो मौजूद हैं तो अब इसकी वेरिफिकेशन के लिए जो है वो हम एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं तो इसमें क्वेश्चन नंबर फाइव वन पॉइंट फोर का पार्ट फोर जो है वो मैंने सेलेक्ट किया है तो इसमें ये जो चीज़ हमने वेरीफाई करनी है तो अगर हम देखें तो ये हमारा लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है कि ए इंटू बी माइनस सी तो ए बी और ए सी तो ये हमने जो है वो प्रूव करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है यानी इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसको भी हम कर चुके हैं तो अब इस लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इसकी वेरीफिकेशन के लिए जो क्वेश्चन है अब इसको हम सिम्प्लीफाई करते हैं तो ए बी सी आर थ्री मैट्रिसेस then we have to verify that a into b minus c is equal to a b minus a c तो बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमें एडिशन के लिए मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव करके दिया है तो सेम उसी तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे पहले हम इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं फिर इसकी राइट right साइड को हम सिंपलीफाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में दो स्टेप में ये क्वेश्चन हो सकता है या तो ये पोर्शन अलग हल कर लें और बाद में ए को उससे मल्टीप्लाई कर लें तो या एज ए होल आप इसको जो है वो ले कर चल सकते हैं तो एज ए होल मैं इसको सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ आप दोनों मेथड से कर सकते हैं तो बी माइनस सी ये ए मैट्रिक्स हो गया ये बी हो गया ये सी हो गया तो स्मॉल ब्रैकेट उसी तरह हमने यूज़ कर ली अब पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है वो सिम्प्लीफाई होगा तो ये जस्ट मैट्रिक्स की जो सप्ट्रैक्शन है वो इसमें यूज़ होगी तो इसके लिए सप्ट्रैक्शन के लिए आपको पिछली जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं रूल्स बता चुका हूँ तो उसी तरह ऑर्डर सेम होने चाहिए जैसे एडिशन के होते हैं और कारस्पोंडिंग एलिमेंट हमेशा ऐड uh, जैसे करते हैं इसी तरह सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी ऑर्डर सेम होने चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए नंबर टू कारस्पोंडिंग एलिमेंट को जो है हाँ, वो माइनस करेंगे जैसे हम हाँ, एडिशन के लिए करते हैं तो इसके लिए पिछले लेक्चर में मैं ये आपको बात बता चुका हूँ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी वो वीडियो देख लें ताकि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो अब कारस्पोंडिंग एलिमेंट वन माइनस टू फिर टू माइनस वन फिर माइनस थ्री माइनस वन फिर माइनस फाइव माइनस थ्री तो कारस्पोंडिंग एलिमेंट को हमने माइनस किया अब इसको सिम्प्लीफाई करना है ये मैट्रिक्स वैसे एज़ इट इज़ लिख दें वन माइनस टू साइन डिफरेंट है तो टू में से वन माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा इसी तरह टू माइनस वन वन और साइन सेम हो तो प्लस करते हैं और वही साइन आता है ये बात ध्यान में रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के रूल जो है वो डिफरेंट है तो कई स्टूडेंट इसमें माइनस माइनस प्लस लिख देते हैं माइनस माइनस प्लस तो प्लस नहीं आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में होता है कि दो साइन अगर सेम हो तो फिर आंसर उसका पॉजिटिव जो है वो होगा तो ये एडिशन करते वक्त आप चूँकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो साइन सेम हो तो प्लस करेंगे और सेम वही साइन दोनों उसके आंसर के साथ आएगा इसी तरह माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट हो जाएगा तो ये हमें इसकी सब्टेक्शन का जो पोर्शन है वो उसको सिम्प्लीफाई कर लिया अब फिर हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है वो यूज़ होगा तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी आपको मैंने बताया हुआ है कि किस तरह करते हैं पहले तो उसको चेक करते हैं कि आया कि ये कन्फर्मेबल है या नहीं है तो उसके लिए उसके आर्डर जो है वो लिख दिए मैंने तो पहले के कॉलम और दूसरी की रो इक्वल होनी चाहिए ये इस का मैट्रिक्स आर्डर uh, uh, है और ये इस मैट्रिक्स का आर्डर है तो ये सेम है इट मींस मल्टीप्लिकेशन इज़ कन्फर्मेबल इन दिस केस तो अब इसका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा टू बाई टू तो अब इसको मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो टू बाई टू का जो है वो हासिल होगा हमें तो मल्टीप्लिकेशन के वही रूल हैं कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको मल्टीप्लाई कर देना इसी तरह फर्स्ट रो और सेकंड रो सेकंड कॉलम जो है इसको मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है उसके बाद सेकंड रो लेनी है अब और यहाँ से फर्स्ट कॉलम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया और इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है।, है अब यहाँ पे मैंने शार्ट से मेथड में बता दिया जो कि ये ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुकी है मल्टीप्लीकेशन तो इसको आप फॉलो करें उसके बाद मल्टीप्लाई uh, करना है तो माइनस वन को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो ये वन आ जाएगा प्लस वन अब मल्टीप्लाई करते वक्त अगर साइन सेम हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन और मा, प्लस थ्री को माइनस एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फोर आ जाएगा साइन डिफरेंट हो मल्टीप्लाई करते वक्त तो आंसर जो है वो नेगेटिव होता है उसके बाद टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया टू और जीरो को मल्टीप्लाई किया तो फ़ोर से ज़ीरो आ जाएगा इस तरह टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू आ जाएगा और जीरो को एट से मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो आ जाएगा अब इसको सिंप्लीफाई करें माइनस टू वन माइनस ट्वेल्व माइनस अलेवन आ जाएगा दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करेंगे और साइन जो है वो नेगेटिव होगा बड़े वाले का साइन आएगा इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसी तरह इसको सिंप्लीफाई कर लिया इसी तरह इसको सिंपलीफाई कर लिया तो ये हमारी लेफ्ट साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है अब हम चलते हैं अपनी राइट साइड की तरफ तो राइट साइड में ए बी माइनस ए सी तो हमारे लिए इजी होगा कि हम इसको स्टेप वाइज जो है वो सॉल्व कर लें कि ए बी पहले आंसर इसका निकाल लें फिर ए सी इसको फाइंड कर लें और फिर इनको माइनस कर लें तो तीन स्टेप में बेसिकली ये राइट साइड हमारी सॉल्व होगी तो ए बी सेम जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था तो वो ऑलरेडी उस बिल्कुल वही मैट्रिक्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ए बी आंसर उसके बाद ए और सी को मल्टीप्लाई करना है तो मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स सी और मल्टीप्लिकेशन का रूल वही है जो ऑलरेडी आपको हम डिस्कस कर चुके हैं तो उसी पैटर्न पे आपने रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है और फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना है तो मल्टीप्लिकेशन का रूल यूज़ करते हुए हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वन एट फोर और टू आ जाएगा तो ये हमारी राइट साइड लेफ्ट साइड पहले ये मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड में हमने ए बी पहले फाइंड कर चुके हैं और ए सी जो है वो हमने अब फाइंड कर लिया अब हमने क्या करना है इनको कंबाइन करना है तो ए बी माइनस ए सी मैट्रिक्स ए बी जो कि ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हैं आप उसके बाद मैट्रिक्स ए सी ये अभी आपने इसका आंसर निकाला है तो ये मैट्रिक्स ए सी जो है वो ये आ जाएगा तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है और सब्ट्रैक्शन के रूल जो है वो पहले हम पढ़ चुके हैं उसको आप फॉलो करें ऑर्डर सेम है सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं कारस्पोंडिंग एलिमेंट को माइनस करना है माइनस टेन माइनस वन फिर माइनस टेन माइनस एट फिर टू माइनस फोर फिर फोर माइनस टू तो इस तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग uh, एलिमेंट जो है इनको हमने माइनस कर लिया अब इसको सिंप्लीफाई करना है माइनस टेन माइनस अलेवन वन तो दोनों साइन सेम हो तो ये प्लस होंगे और साइन यही यूज़ होगा माइनस अलेवन इसी तरह ये इनको प्लस करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ये साइन डिफरेंट है तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस कर देनी और साइन जो है वो बड़ी टर्म का होगा इसी तरह फोर माइनस टू जो है वो टू आ जाएगा इसको हम इक्वेशन टू का नाम देते हैं अब जरा गौर करें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू यानी लेफ्ट साइड का आंसर और राइट right साइड हमारी उसका आंसर जो है वो सेम है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ला है इसको हमने वेरीफाई कर लिया फ्राम वन एंड टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट इज़ एन टू बी माइनस सी यानी लेफ्ट साइड हमारे पास ये थी जो गिवन है और राइट right साइड ये थी तो अभी हमने देखा कि एक एग्ज़ाम्पल uh, से हमने जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है उसको वेरीफाई कर दिया है इसका मतलब ये है कि ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए जो है ये बात जो है वो ट्रू होगी यानी कोई से तीन मैट्रिक्स आप ले लें तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है वो हमेशा जो है वो ट्रू होगी इट मीनस के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज होल्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यानी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों लॉ हमेशा जो है वो ट्रू होंगे किसी भी किस्म के मैट्रिक्स को लेके आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपको क्लियर हो चुका होगा तो मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें अल्लाह